हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कल हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, तो देखो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न इट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि हमने पिछले अभी कल की क्लास, परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में के अंदर बनता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। किन किन की? कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। दिस आर यूज और सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इसका उपयोग जो होता है संश्लेषण के लिए, किन किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की और फैट की। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस विच नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन सब्सटेंस जो होते हैं कंटेंट नाइट्रोजन से ही हमें उपलब्ध हो सकते हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्सेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। नाइट्रोजन जो होती है हमारे एनवायरमेंट के अंदर तो उपस्थित होती है, लेकिन हमारी भूमंडल पर, हमारी पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन गैस विद्यमान नहीं होती है। होलर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन दिस फ्रॉम, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सोइल हैज क्रिएटेड बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट द सोयल। तो क्या होता है कि मिट्टी के द्वारा नाइट्रोजन, मिट्टी के जैसे बारिश के द्वारा नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, पृथ्वी पर आती है और सोयल में मिल जाती है। सोयल से प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट की भूमिका भी प्रोटीन और विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखो पादपों के अलग अलग पादप देखो अपने भोजन का कैसे निर्माण करते हैं। तो हिटरोट्रोपस मोड, हिटरोट्रोपस देखो, हिटरोट्रोपस का होता है परपोषी। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि बहुत से ऐसे पादप होते हैं, फिर कह सकते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल पादपों के अंदर, लीव्स के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण में आवश्यक होता है। पादपों के लिए जो भोजन होता है ना उनमें आवश्यक होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, इसलिए ये भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोडक्ट बाई अदर प्लांट। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य और जंतु और कुछ पादप भी होते हैं जो भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। दे यूज द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए ये परपोषी भोज्य का निर्माण यूज करते हैं। लुक एट फिगर्स, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं उसी है येलो विद ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। कि येलो रंग की जो ब्रांचेज शाखाएं होती है पेड़ के तने से लेकर के पत्तियों तक पूरी तरीके से इसको घेर रखा है। दिस इज प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कैस्कुटा कहते हैं, जिसे हम अपनी देसी भाषा में अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ये जहां भी गिरती है वहीं से ही अपना स्थायित्व अपना जमा लेती है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इज द क्लाइंबिंग द प्लांट ऑन विच क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। इसलिए जो पादपों के ऊपर ये निर्भर रहती है उसे हम होस्ट कहते हैं। डिप्रेसिस द होस्ट वैल्यूबल्स न्यूट्रेंट्स कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। यानी कि ये क्या करती है, धीरे धीरे उस पादप को पोषण ग्रहण करके धीरे धीरे उस पादप को नष्ट कर देती है। कैस्कुटा कॉल्ड ए पैरासाइट, इसलिए अमरबेल जो होती है कैस्कुटा जो पादप होता है उसे पैरासाइट कहते हैं, यानी कि परपोषी पादप कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है इंसेक्टिवर्सेस प्लांट होते कीट पक्षी पादप। देखो कि कीट को या फिर हम मांसाहारी सिर्फ मनुष्य को ही नहीं कह सकते हैं, जंतुओं को ही नहीं कह सकते, पादप भी मांसाहारी होते हैं। देन ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।